नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपसे CUET UG एडमिशन के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि CUET UG एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट क्या है, अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 19 जुलाई को NTA द्वारा आयोजित किया गया री इंट्रेंस या री टेस्ट का जो प्रोविजनल आंसर की है, वह NTA के द्वारा 22 जुलाई 2024 को ही जारी कर दिया गया है। जबकि NTA ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन बच्चों को इस प्रोविजनल आंसर की से किसी भी तरह की शिकायत है, ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, वो अपने आपत्ति को, अपने शिकायत को 23 से 24 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं। यानी बात साफ है कि रीटेस्ट पर भी आपत्ति दाखिल करने का, आपत्ति दर्ज कराने का भी जो डेट है वह बीत चुका है, क्योंकि आज 25 जुलाई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ जरूर बता दूं कि लगभग 13.5 लाख बच्चों को CUET के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, जो अभी तक NTA के द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसके बहुत ही जल्द जारी होने की संभावना है। हालांकि NTA की तरफ से वीडियो बनाने तक कोई भी ऐसा डेट जारी नहीं किया गया है। एक अनुमान के अनुसार 26 से 28 जुलाई के बीच NTA के द्वारा CUET के रिजल्ट को जारी करने की पूरी संभावना है। हालांकि आप इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप NTA और CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि BHU में UG में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि BHU ने CUET UG के थ्रू UG में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया है। यानी CUET UG के थ्रू जो बच्चे BHU में, UG में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारे बच्चे BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in या bhu.ac.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी BHU ने रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन, यानी जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया गया है, वो 19 जुलाई 2024 से लेके 5 अगस्त 2024 तक के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो अभी तक ओपन किया गया है। यानी मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने CUET UG के लिए प्रवेश परीक्षा किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए दिया है, और यदि आप उस कोर्स में BHU में एडमिशन चाहते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन आप 5 अगस्त तक BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस, सबसे बड़ी बात कि आप यह ध्यान रखिए कि आप BHU में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने पर आपको निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा, और जैसे ही आप अपना निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हैं, आपके सामने प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। यानी आप BHU मेन कैंपस से लेते हुए सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लेना चाहते हैं, उन सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन और सारे कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस आप अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं।
तो निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही साथ आपको अपने सारे प्रेफरेंसेस भरने हैं। इसीलिए मैं पिछले सारे वीडियो में आपसे विनम्र निवेदन करता रहा कि आप पहले से सभी कॉलेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको प्रेफरेंस भरते समय किसी भी तरह का डाउट न रहे और साथ ही साथ बहुत सारे प्रेफरेंसेस। मुझे लगता है कि अगर BHU मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला दिया जाए तो लगभग, मैं आर्ट्स एंड सोशल साइंस में बात करूं तो लगभग 150 के आसपास प्रेफरेंसेस आपके सामने आएंगे, सभी कॉलेजेस कैंपस को मिला करके और सभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन को मिला करके लगभग 150 के आसपास प्रेफरेंसेस आपके सामने दिखेंगे, जिनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूँ कि जब भी आप प्रेफरेंसेस को भरिएगा, आप सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि कई बार इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है जहाँ आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय को आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर ही जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो विश्वविद्यालय प्रेफरेंस देने की कोशिश करता है। हमें ये नहीं मालूम कि आपने अपना प्रेफरेंस गलत भरा है या उसमें किसी भी तरह की त्रुटि है। हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने प्रेफरेंस भरा है वो सोच समझ के भरा है और इसी प्रेफरेंसेस के आधार पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए आपका जो एडमिशन का आधार होगा वो इंडेक्स तो है ही है, लेकिन कहाँ और किस सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यह आपका प्रेफरेंस ही बताता है। तो प्रेफरेंस को बहुत सोच समझ के भरें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन के समय निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए कि सारी सूचनाओं को आप सही तरीके से भरें। हालांकि किसी भी तरह की गलती होने पर, यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन में त्रुटि होने पर, आपके लिए विशेष रूप से एक करेक्शन विंडो BHU की तरफ से ओपन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम एक सप्ताह का समय रहता है, ज़्यादातर इससे कम ही रहता है, 2-3 दिन का समय रहता है, जहाँ पर जिस दौरान आप अपने द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह की त्रुटि को करेक्ट कर सकते हैं, का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले से ही ये माइंड सेटअप बना के नहीं चलना है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन भरें और करेक्शन विंडो के समय, ओपन होने के समय हम अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करें। आप शुरू से ही सारी चीज़ों को सोच समझ करके सावधानी पूर्वक भरें, सही भरें, जिससे किसी भी तरह का की समस्या आपको न झेलना पड़े। यानी आप जल्दी करें और सही करें। जल्दी करने का मतलब यह है कि अभी तक 5 अगस्त लास्ट डेट BHU में UG रजिस्ट्रेशन का जारी किया गया है। हालांकि यह डेट और बढ़ेगा, लेकिन डेट बढ़ेगा या अभी आपके पास बहुत समय है ऐसा न सोचें। आप जितना जल्दी हो सके आप अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करें, क्योंकि आप सभी को लगभग मालूम है कि आपका CET इंडेक्स कितना है और आपको BHU में पढ़ना है, आपको BHU में पढ़ना है, ये आपको मालूम है। आपका लगभग CET इंडेक्स कितना ये भी आपको मालूम है। तो इसीलिए BHU में रजिस्ट्रेशन विंडो को ओपन कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय विद्यार्थियों को मिले, वो अपना रजिस्ट्रेशन आसानी पूर्वक कर सकें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो रिजल्ट है CET UG का, वही जारी होना NTA की तरफ से बाकी है। बाकी तो आपको मालूम ही है कि आपका नंबर लगभग कितना आएगा और आपको BHU UG में एडमिशन लेना है। इसलिए रजिस्ट्रेशन को आप जल्दी करें, आप परेशान न हो, धैर्य बना करके रखें, किसी भी तरह के अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें और आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल ID को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की सूचना स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपके मेल पर भी आएगा। इसलिए आप इसको नियमित रूप से चेक करते रहें। विस्तृत जानकारी के लिए आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, CET के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं,
साथ ही साथ BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं या bhu.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है या कोई संदेह है या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।